हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिव कलाकार। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एंड रास्टर। अगर आप किसी डिज़ाइन पर काम कर रहे हो, चाहे वो लोगो हो या पोस्टर, इन फाइल्स का हमारे फाइनल डिज़ाइन की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। रास्टर से स्टार्ट करते हैं। रास्टर ग्राफिक पिक्सल से बनते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल छोटे छोटे कलर्स के बॉक्स होते हैं, जिसे कंबाइन करके एक रास्टर ग्राफिक बनता है। अब मान लो आपके पास 500 पिक्सल की एक इमेज है, मगर आप चाहते हो कि वो इमेज 5000 पिक्सल की हो जाए। तो मान लो आपको इमेज का साइज़ बड़ा करना है, तो जब आप इमेज का साइज़ बड़ा करोगे तो वो आपके सॉफ्टवेयर को एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि इमेज को बड़ा करना है, और आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस 500 पिक्सल को स्ट्रेच कर देगा। बट एट द एंड रिजल्ट ये आएगा कि आपकी इमेज या तो बहुत ब्लर होगी या फिर बहुत पिक्सलेट। रास्टर ग्राफिक की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट होती है कि रास्टर ग्राफिक कितने पिक्सल्स में बना हुआ है। अगर हम उसका साइज़ ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा करेंगे तो उसकी फॉर्म बिगड़ जाएगी, उसकी क्वालिटी भी लूज़ हो जाएगी। रास्टर ग्राफिक का यूज़ डिजिटल मीडिया में ज़्यादा होता है, क्योंकि रास्टर ग्राफिक के कलर वेक्टर ग्राफिक के कंपैरिजन ज़्यादा पंची एंड शार्प होते हैं। रास्टर ग्राफिक इमेज में बहुत यूज़ होता है। अगर आप कोई भी इमेज क्लिक करते हो कैमरे से या फ़ोन से या स्क्रीनशॉट लेते हो, वो ऑलरेडी एज अ रास्टर ग्राफिक सेव होता है। रास्टर ग्राफिक के फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं? PNG, JPEG, GIF, TIFF। अब वेक्टर पर आते हैं। वेक्टर रास्टर से टोटली डिफरेंट फाइल है। वेक्टर लाइन शेप पॉइंट से बनता है, एंड सॉफ्टवेयर में उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन ऑलरेडी सेट होती है। बेसिकली कहने का मतलब यह है, वेक्टर ग्राफिक में सॉफ्टवेयर को पिक्सल काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस वेक्टर फॉर्म को कैलकुलेट करता है, एंड जब भी आप उसका साइज़ छोटा या बड़ा करते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग कलर्स एंड शेप को एडजस्ट कर देता है। फाइनल रिजल्ट आता है, आपकी फाइल एकदम नीट एंड क्लीन रहती है, बिना क्वालिटी एंड पिक्सल लूज किए। वेक्टर ग्राफिक का यूज़ प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बिकॉज वेक्टर ग्राफिक की फाइल साइज़ रास्टर ग्राफिक के कंपैरिजन बहुत कम होती है, तो प्रिंटर को शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होती। एंड सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम उसे किसी भी साइज़ में प्रिंट कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड के साइज़ से लेके 50 फुट के होर्डिंग के साइज़ में भी वेक्टर ग्राफिक की क्वालिटी लूज़ नहीं होगी। वेक्टर की फाइल्स फॉर्मेट होते हैं EPS, SVG, AI, PDF, CDR। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या वेक्टर को रास्टर बनाया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। किसी भी वेक्टर ग्राफिक को रास्टर फाइल फॉर्मेट में अगर सेव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रास्टर ग्राफिक बन जाएगा। बट द अदर एंड, रास्टर ग्राफिक को वेक्टर ग्राफिक बनाना इतना ईजी नहीं है, आपको वो पूरा खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा। एंड कभी कभी जब रास्टर ग्राफिक को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।